किसी ने क्या खूब कहा है, गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग करे निवास, देवी की यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के वी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की, कुंभ राशि वालों का 14 जुलाई दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपके भी कुंभ राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय गणपति महाराज अवश्य लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा गणपति महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए इन चार बातों का रख के ध्यान, कभी नहीं मिलेगा धोखा। जी हाँ दोस्तों आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं का जिक्र किया है। आचार्य की ये नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आचार्य चाणक्य के दौर से वर्तमान समय की तुलना की जाए तो आज का समय पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन आज भी आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र में वर्णित बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई मामलों में उनकी बातें एकदम सटीक साबित होती हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने बताया कि आखिर किसी व्यक्ति को परखने के लिए इन चार बातों पर गौर करना चाहिए। अगर आप भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को परखेंगे तो धोखा खाने से बच सकते हैं। पहला है, किसी व्यक्ति को लेकर तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए। सबसे पहले उसके गुणों को परखना चाहिए या देखना चाहिए कि वह किस तरह से बर्ताव करता है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है या नहीं, दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, इसे देखकर भी उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा है, व्यक्ति को परखने के लिए यह देखना चाहिए कि उसमें त्याग की भावना है या नहीं। जिन लोगों में त्याग की भावना नहीं है वह दूसरों के दुख को समझने और मदद करने में क्या सहायता करेगा। तीसरा, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति के काम को देखकर भी उसके स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर वह सूदखोरी करता है तो चालाकी उसके स्वभाव में निश्चित रूप से होगी। आखिरी में, व्यक्ति की निजी खूबियां देखनी चाहिए। कुछ गुण व्यक्ति को जन्म के साथ मिलते हैं तो कुछ वो अपने संस्कारों से विकसित करता है। तो दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 14 जुलाई दिन बुधवार, आज की तिथि है चतुर्थी, आज का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, पथ चल रहा शुक्ल पक्ष, माँ चल रहा अषाढ़। दोस्तों आज सूर्योदय उदय होंगे 5:16 पर, सूर्योदय अस्त होंगे 6:51 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है 9:18 से 10:54 पर और दोस्तों आज का शुभ समय 11:36 से 12:30 तक। आज कुंभ राशि वालों का शुभ अंक 3 है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आए जानते हैं। कुंभ राशि वालों भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। पैसे कमाने के नए मौके आपको मुनाफा देंगे। पुराने दोस्त मददगार और सहयोगी साबित हो सकते हैं। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। आपके बॉस किसी भी बहाने में दिलचस्पी नहीं जाहिर करेंगे, इसलिए निगाहों में बने रहने के लिए अपना काम अच्छी तरह से करते रहें। कोई आध्यात्मिक गुरु या आपसे बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। दोस्तों अपने साथी पर किया गया संदेह एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजे के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पर्चे में भी आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी घटना होगी जो आपको कभी ना भूलने वाला सबक देगी। दोस्तों कुछ अलग दिखें, कपड़े या अपना बाल बनाने का तरीका बदल दें। आप आज ध्यान से उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने भोजन में करने हैं। ताजा हवा में सांस लेने के लिए सुबह शाम सैर पर जाएं, इससे आपके शरीर में खून का संचार बढ़ेगा और हार्ट स्ट्रोक की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना है क्योंकि ये समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़े। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा ताकि कुछ हद तक आप संतुलन बनाए रखें। आप अपने वित्त के संबंध में दुविधा की स्थिति में रहेंगे। विरोधाभासी ग्रह के प्रभाव की वजह से अलग अलग दिशा में आपका अंतर्मन भागेगा। आप महंगी खरीदारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन आखिरी समय में अंतिम निर्णय लेने में आपको
मुश्किलें हो सकती है। इस तरह की दुविधा आपके निवेश में भी प्रतिबिंबित होंगी या आपके आसपास के लोगों को भी दोस्तों प्रभावित और असहमत महसूस करवा सकती है। अपनी चिंताओं को किसी सार्थक यात्रा या नए शैक्षणिक लक्ष्य के माध्यम से दूर करें। आपको कानूनी परामर्श के लिए किसी रिश्तेदार या शायद पिता की सलाह लेने की जरूरत हो सकती है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और सौभाग्य आपका होगा। अस्तित्व के नए प्रयोजन और आयाम आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। आप में से कुछ के लिए धन की जरूरत उनका समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ले रही है। किसी की मदद लेते हुए दोस्तों सावधानी बरतें। दुख की बात यह है कि वक्त गुजरता जा रहा है एवं खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो अभी ग्रह आपके पक्ष में है। अपने शिक्षक या मेंटर के मार्गदर्शन में आप आसमान भी छू सकते हैं, इसलिए उनकी सलाह पर ध्यान अवश्य दें। कैरियर में बदलाव से आपको नए अवसर मिलेंगे। भावनाएं और संबंध इस समय आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको अपने धन से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों परेशानियों को दूर करने में आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। आज धन और प्यार दोनों आपके पक्ष में है। जीवन के इस चरण को स्वीकार करके इसका आनंद लें। पिता या पिता के समान कोई व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा, इसलिए उनका हमेशा ध्यान रखें। एक लंबी दूरी की यात्रा आपके दिल के तारों को किसी खास के साथ जोड़ सकती है। दोस्तों पूरे जोश और उत्साह से अपने जीवन के इन क्षणों का स्वागत करें। आज आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य में किसी सहायक की तलाश है और आपका लवर या जीवन साथी इसमें आपकी पूरी तरह से सहयोग करेगा। आज आपका मूड भी सुखद और रोमांटिक है, इसलिए यह खुशनुमा क्षण आपके प्यार के बंधन को और भी अधिक मजबूत कर देगा। प्यार के इन मोमेंट्स को हमेशा सजो कर रखें। कुंभ राशि वालों, आज किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करने से आपके नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों अगर आप घर पर रहकर सच्चे मन से गणपति महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों गणपति महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देंगे। तो दोस्तों रोज की कुंभ राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। राधे कृष्णा।